ये सवाल नंबर पांचवा है और ये सवाल आपको बहुत अच्छी चीज सिखाएगा। अपन y के गुणांक बराबर करें, यहाँ एक y है, यहाँ कितने y है, तीन y, चिन्ह ना दिखे तो एक तीन के हिसाब से हम काय से गुणा करेंगे, तीन एक से, तो समीकरण एक में तीन का गुणा करने पर तीन एक्स प्लस तीन वाई बराबर पंद्रह। एक बात समझ में आई? अब दोस्तों समीकरण दो में एक का गुणा करने से कुछ नहीं मिल जाएगा, एक का गुणा करने से वही का वही आएगा, तो जो समीकरण ये तीन है इसके बाद अपन क्या बनाते हैं चार, तो चार नहीं बनाएंगे, दो ही दो का तो ही रहेगा, तो अपन तीन चार या कौन यूज करेंगे, दो ही यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, दो। तो समीकरण दो व तीन को जोड़ने पर क्या करने पर, दो एक्स माइनस तीन वाई, तीन एक्स प्लस तीन वाई, चार प्लस पंद्रह, तीन वाई से तीन वाई, दो एक्स और तीन एक्स, पंद्रह और चार उन्नीस, एक्स बराबर उन्नीस बटे पाँच। समझ में आया? एक्स का यह मान समीकरण एक में रखने पर एक्स प्लस वाई बराबर पाँच, उन्नीस बटे पाँच प्लस वाई बराबर पाँच, बच्चों प्लस के उन्नीस बटे पाँच उस तरफ जाके, पाँच माइनस उन्नीस बटे पाँच, पचम माइनस उन्नीस बटे पाँच, पच्चीस में से उन्नीस गए बटे पाँच। कठिन लग रहा है? अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सेवन एक्स माइनस टू वाई बराबर एक, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर पंद्रह, कोई दिक्कत, हम करेंगे y के गुणांक बराबर, क्या लिखा बेटा, दो चार गुणा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत, अब चार दो से गुणा करो आंसर आएगा, लेकिन सर ने एक चीज सिखाई थी कि अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, तो सवाल और क्या हो जाता है सरल, दो एकम दो, दो दूनी चार। तो अब जैसे कभी कभी क्या होता है, बड़ी संख्या आ गई कि भाई इसमें अड़तीस का गुणा करना है इसमें उन्नीस का, तो कितना टाइम लग जाएगा, नहीं उन्नीस एकम उन्नीस, उन्नीस दूनी अड़तीस। समझ में आया? तो क्या है बेटा, कोई नया सवाल भी आ गया और बड़ा कठिन भी लगा, तो आप उसको एक बार करके देखो कि हो सकता है कट जाए, तो संख्या क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो ये कुछ ट्रिकें हैं जो आपको बहुत क्या जाती है, काम में आ जाती है। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो समीकरण एक में चार का नहीं, समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, करो बच्चों, दो सत्ते चौदह, दो दूनी दो एकम, समीकरण तीन। अब समीकरण दो में बोलो बोलो एक का गुणा करने पर, देखो हो गया, टाइम बचता है, तो ये टाइम जो अपन इन सवालों बचाएंगे कुछ बड़े सवालों पर पेपर में काम में आ जाता है, ठीक है। इसे जो सर बताएं कभी फालतू चीज नहीं बताते, हमेशा काम की चीज बताते हैं। अब धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे पेपर बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए, समीकरण दो व तीन को जोड़ने पर, लेकिन अपन तो तीन और चार को जोड़ते हैं, वो ही चार है, तीन एक्स प्लस चार वाई, चौदह एक्स माइनस चार वाई, पंद्रह प्लस दो, सही जोड़े हैं, कोई शक नहीं लगाते आजकल तुम लोग यार, चार वाई से चार ऐसा नहीं है, लगा तो सकते लेकिन काहे लगा, तीन एक्स चौदह एक्स सत्रह एक्स, पंद्रह और दो सत्रह, एक्स बराबर सत्रह बटे सत्रह एक्स बराबर एक, एक्स का यह मान कहाँ समीकरण दो में रखने पर, दो बोलो, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर पंद्रह, तीन कोष्ठक क्यों लगाया है, यहाँ रखेंगे मान एक, तीन एकम प्लस चार वाई बराबर पंद्रह, चार वाई बराबर पंद्रह माइनस तीन, चार वाई बराबर बारह, वाई बराबर बारह बटे चार, वाई बराबर तीन, नहीं आया सर। दोस्तों यहाँ पे तीन एक्स प्लस पाँच वाई बराबर बीस, छः एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस चार, बच्चों हम y के गुणांक बराबर कर रहे हैं, काय गुणांक कर रहे हैं, पाँच दस गुणा करेंगे, गुणा करेंगे पक्का, ये कटेंगे पाँच एकम पाँच पाँच, और सरल हो गया सवाल, समझ गए। समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, दो तीन दो पंचे बीस दूनी, समीकरण नंबर तीन, समीकरण दो में नहीं करेंगे वैसे ही हो जाएगा,
समीकरण दो व तीन को जोड़ने पर, दो बोलो 6x-10y, तीन बोलो 6x+10y -4+40। कोई दिक्कत है क्या? सही है, प्लस की 10y माइनस की 10y कैंसिल, 6x और 6x 40 में से 4 गए 36, x बराबर 36/12, 12 तिया x का यह मान समीकरण है। रख तो दोनों भी सकते हैं, बड़ा क्यों लें, छोटा दोनों है, 3x+5y = 20, 3 x का मान कितना है, 3 त्रिका + 5y = 20, 5y = 20 -9y = 5y = 11y = 11/5। समझ में आया? नहीं आया, हो गया। जैसा कि आप सभी जमा जानते हैं कि सवाल बुक का सवाल, जिसको छोड़ तो नहीं सकते अपन, इस सवाल में जो समीकरण दिए हैं कुछ बटे में दिए हैं, काय में दिए हैं, तो पहले उन समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, सरल। अब काफी बच्चों के माथों पे तनाव आ गया, सरल करो उसके बाद सॉल्व, वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहां अपन दोनों साथ में नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे दिया गया पहला समीकरण है x बटे दो बोलना पड़ेगा +2y/3 -1, 3x+4y, 2×2=4, 2×3=6, 3x+4y = -6, समीकरण नंबर 1। समझ आया? दिया गया दूसरा समीकरण है लघुत्तम, लघुत्तम 3x-y/3 3x-y = 3, ये बन गए समीकरण 2। कुछ नहीं आया समझ? अब अपन क्या करेंगे, क्यों क्या करेंगे, गुणांक क्या करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे बता। अब एक गजब की बात बताएं, ये अपनी किस्मत खुल गई, ये तो पहले से ही अब बस चिन्ह देखना है ताकि चल जाए पता कि जोड़ना है कि घटाना है। आप जरा शांत रहिए, आप लोग कुछ इसको पता नहीं है, वो आगे नहीं उचका करो, कितना पढ़ाते हैं घर पे रिवाइज नहीं करते कभी। 3x 3x दोनों के चिन्ह कैसे हैं, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ते केवल कब है, जब एक प्लस का होता है तब एक प्लस का ही मान, अरे y के गुणांक बराबर, जिसके गुणांक बराबर है उसका चिन्ह देखना है, जिसके गुणांक किसके y के बराबर है, क्या देखो x के गुणांक क्या है बराबर, वो दोनों y के हैं प्लस, तो क्या करेंगे घटाएंगे, समझ गए समी, तो देखो गुणांक बराबर नहीं करने पड़े, गुणांक पहले से क्या मिले बराबर। समीकरण एक में, सॉरी एक में से दो को घटाने पर, पोस्टर लगाएंगे -6 + 3x + 4y, 3x - y - 6 - 9। बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत से पढ़ाओ बच्चों के कंसेप्ट बहुत ढीले, 4y - 3x + 4y - 9 - 15 + 3x - 3x 4y - 5y = -3। समझ गए? नहीं समझ? अब y का यह मान समीकरण दो में रखने पर, दो बोलो 3x - y = 9। बच्चों y का मान रखेंगे लेकिन सही रखा, माइनस माइनस 3x + 3 = 9, 3x = 9 - 3, 3x = 6x = 6/3। समझ आया? इसमें अगर लघुत्तम लेना बढ़ गया तो गुणांक बराबर करने वाली स्टेप कम।
अब हमारे ब्लू पॉइंट विधि के आखिरी दो क्वेश्चन या स्पेशल क्वेश्चन हम कह सकते हैं बचे हुए हैं। क्वेश्चन है 217x प्लस 131y बराबर 913। 131x प्लस 217y बराबर 817। देख के आदमी कब जाता है। तो अगर अपन y के गुणांक बराबर कर रहे हैं तो हम गुणा करेंगे 217 131। चलो मान लो कोई सूरवीर है, उसने गुणा कर भी दिया 217 का 217 में 217 का 913 में, और फिर नीचे भी कर लिया, मतलब गुणा कर लिया भाई सूरवीर ने। गुणा करने के बाद मान लो गुणा कर लिया तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी और घटाने पे गलती नहीं हो सकती। चलो मान लो घटा भी दिया, सही घटा दिया, फिर जब पक्षांतर करोगे तो भाग में कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उनको काटोगे कैसे? तो ये सब सोचने बिचारने की बात है। ये सवाल देखो, हिम्मत वाले बच्चे को कर लेंगे, होशियार बच्चे, लेकिन टाइम कितना लग जाएगा, आधा घंटा पेपर में इतना टाइम नहीं। तो इन क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग मेथड बताई, पर पहले आप समझिए क्या एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये आपकी परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है कि आप कितने होशियार हैं, आप रट्टू तोते हैं कि होशियार। देखो बड़ी संख्या है, बिल्कुल सही है, ये कितना लिखा इक्वल है ये वाले, इक्वल है ये वाले, ये क्वेश्चन कहलाते हैं क्रिस क्रॉस क्वेश्चन। क्या कहलाते हैं? क्रिस क्रॉस। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। क्या करना है? उससे आंसर आएगा नहीं, उससे आंसर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें सुकून आएगा। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर 217x प्लस, बेटा जो बातें कर रहे हैं वो अपना बुढ़िया बिस्तर उठाएं और जाएं, कितना भी सिंसियर क्वेश्चन हो कोई ध्यान ही नहीं। 131y प्लस 131x प्लस 217y 913 प्लस 827, तैयार हैं? बेटा अभी डरे होते, डरने की बात ही नहीं, केवल दोनों क्या किया है, जोड़ा ही है, कितना भी बड़ा हो। दोस्तों यहाँ पे 217x में क्या जोड़ना है, 131x, आराम से 7 और 1 8 3 और 1 4 2 और 1 3 348x, सही आया, समझ आया कि नहीं आया? आराम से 131y 217y, बात तो वही है, 348 आ रहा है मजा। अब जोड़ना है 913 और 827 को, 913 827, 7 और 3 10 का 0, हाथ में आई 1 और 1 और 2 4 8 और 9 1740। तो ये एक से हल है, आंखें बंद करके पूरे समीकरण में 348 का भाग देने पर यहाँ बचा x, यहाँ बचा y, नहीं आया ना समझ? देखो कितने बुरे, कितने गंदे बच्चे हैं बाहर देख रहे हैं, मतलब कितना भी मेहनत से पढ़ा लो, देखो 348 का भाग दिया तो यहाँ x, यहाँ y, समझ रहे हो? कर लिया छोटा कि नहीं कर लिया? अब कठिन समझ के छोड़ दो, क्यों छोड़े, हम तो हैं, हम लाएंगे तुम्हारे लिए मेथड अच्छी, इस तुम्हें सवाल कठिन सवाल को भी क्या बनाओगे, सरल। इसमें और भाग देना है किसमें, 1740 तो आप ये भाग रफ में दें, काय में दें 1740 बटे 348। अच्छा भाई 2 से काटो 2 8 16 2 7 2 0 0, 2 2 7 14 2 4 8, फिर 2 से 2 4 2 3 2 5 2 8 16। लोग कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं गजरा करते हैं, नहीं करना चाहिए कभी, जो बहुत बड़ा गुणा है भाग है तो उसको रफ में करना चाहिए, ठीक है? 3 1 3 4 3 5 3 2 6 3 9 7, समझ में आया? अब 29 है अभाज्य, 29 क्या है, अब आपको भाग देना पड़ेगा, 29 का दुनिया बन पड़ेंगे 5 बार, कितनी बार, 29 5 ना कि 5, हाथ में आई 5 2 10 4 14, पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, नहीं आया समझ? एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 3, कहाँ दिया समीकरण, कहाँ ये समीकरण, नहीं आया समझ? पक्का आ गया, गारंटीड। अब बच्चों इसके बाद देखो, ऐसा नहीं कि सरल एकदम ही, बहुत सच्ची सरल है, पर मजा आएगा आपको। सब एक काम हो गया, क्या काम हो गया, समीकरण एक और दो को जोड़ दिया,
समीक, अच्छा यहाँ से अपन y का मान निकाल लेंगे, y का मान क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स, सही है। अब समीकरण, अब दो काम कर सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं, दो काम, एक काम कर सकते हैं अपन समीकरण एक में से दो क्या कर दें, घटा दें, अभी क्या किया, जोड़ा। अब समीकरण एक में से दो घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण दो एक बोलो बेटा, 217x प्लस 131y माइनस 131x प्लस 217y बराबर 913 माइनस 827, थक गए। तो जब भी क्रिस क्रॉस आए एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, माइनस 131x माइनस 217y और 913 में से हम घटा रहे, घटा देखो जल्दबाजी करके गलत नहीं करना है, सही करना है ना, 913 में से कितना घटाना है, 827, 6, 10 में से 2 गए 8, वही बस 86, कितना आ गया 86, 217 में से कितना घटाना, 100, ये प्लस के हैं ये तैयार, थक गए, 217 में से कितना घटाना है, 131, 7 में से 1 गए 6, 11 में से 3 गए 8, लो भैया आ गया 86x, काय का आया 86x, जल्दी बोलो, माइनस का, वाह 217 बड़े है ना, तो क्या आएगा प्लस का। अब देखो बेटा आप ध्यान नहीं देते, आप लोग की बहुत गलत बात है, 131y प्लस के 217y माइनस, मतलब वही करना है, 217 में से कितना कटाना है, 131, तो वही आएगा 86y, हाँ क्योंकि बड़ी संख्या में क्या लगा है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है हमें क्या करना है, पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 86 का भाग देने पर बचा x माइनस वाई बराबर, नहीं आया समझ, देखो और ये कटते ही हैं, सरल ही आता है, सबको समझ में आया, एक बार जोड़ लेना एक बार घटा लेना, अब देखो मैंने आपको जोड़ जोड़ के दिखाया है, ठीक है। अब बच्चों हमने बस y का मान निकाला था, कितना निकाला था y का मान, प्रतिस्थापन, y का मान क्या निकाला था, 5 माइनस है, वो हम यहाँ पे रख दे, रख दें, यहाँ लिख देना समीकरण एक, एक नहीं तीन से y का मान क्या है, 5 माइनस x, x कोष्ठक लगाएंगे नहीं लगाएंगे, एक माइनस 5 माइनस माइनस प्लस x बराबर 1, थक गए, x और x 2x, माइनस के 5 का आए के हुए प्लस के, 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2, x बराबर 3, समझ में आया, x का यह मान, तुम जो मैं बोलूं, एक में एक में एक में एक में एक में है ना, चार कहाँ, चार तो है नहीं, नहीं एक में रख दे रहे ना, मतलब इतने दिन से क्या पढ़ा है, एक में रखना है, तीन का बोला है, तीन बोला है, अजीब आदमी, एक में रखना है, तीन बताइए, समीकरण तीन में रखने पर, बोलिए तीन, y बराबर 5 माइनस है, y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर एक में रखना है, टाइम ही लगेगा एक में रखने से। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, पहले और दूसरे में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया है, वो दूसरा वाला पेपर से, तो एक बार पहले चेक करते हैं कि बड़ी संख्या है तो, लेकिन क्या क्रिस क्रॉस है, 152 दोनों प्लस के भी, माइनस 300 रखता, क्रिस क्रॉस है, मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना, समीकरण अपने आप क्या हो जाएंगे, छोटे। लेकिन इन सवालों में चाहे आप जोड़ें चाहे आप घटाएं, आप कोष्टक लगाना ना भूलें, बिकॉज बहुत सारे माइनस हैं, क्या है, बहुत बहुत शांति से इत्मीनान से और ध्यान से सुने, गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, एक बोलिए नहीं, नहीं बोलिए, पहले क्या लगाइए कोष्ठक, नॉर्मली जोड़ने में पर इतना वो नहीं करते, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत ध्यान दें, जो भी प्रांजल ध्यान से नहीं सुन रहे हैं जो, उनको मुसीबत हो जाएगी बेटा, है ना, बुक में दिया है सवाल, पेपर में आता है, इसमें लिखेंगे 152x माइनस 378y और इस तरफ माइनस 74,
कोई दिक्कत, इसमें लिखेंगे माइनस 378 एक्स प्लस 152 बाय माइनस 604। समझे? 152 एक्स 378 वाई प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस 378 वाई प्लस का गुणा प्लस में तो 152 बाय। थक गए? हाँ हाँ, चलो थक तो नहीं गए। माइनस 74 माइनस 604, कोई दिक्कत बेटा? जो नहीं सुनेगा उसको मुसीबत ही मुसीबत है। आपको ध्यान देना पड़ता है, ये भी माइनस के, ये भी माइनस, जुड़ेंगे 604 और 74, चारों चार 678 काहे के बड़ी संख्या में माइनस, तो आंसर में भी। प्लीज पूरा दिमाग ठंडा रखें, मेरी बात सुने। 152 एक्स प्लस की 378 एक्स माइनस, जुड़ेंगे घटेंगे? 378 में से घटाएंगे 152। देखो मैं आपको घटा घटा के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझें कि सवाल कोई कठिन नहीं होता। हम थोड़ा आलस बताते हैं, कौन जोड़े कौन घटाए। 8 में से 2 गए, 7 में से 5 गए, 3 में से 1 गए। 226 एक्स काहे के बड़ी संख्या में माइनस। अब आ जाते हैं वाई वालों पर, वही है देखो। तो 226 वाई काहे के माइनस के, पूरे समीकरण में माइनस 226 का माइनस का भाग देने से ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस वाई, और यहाँ का भाग अपन साइड में दे ले रहे हैं। माइनस 678 बटे माइनस 226, माइनस से माइनस, दो तीन छ, दो दो तीन छ, दो इनाम 18, दो एकम दो, दो एकम दो, दो तीन छ, 11 तीन 33, तीन दरका 9, कितनी बार कट जाएंगे? 3 बार। नहीं आया सर, देखा कितना छोटा हो गया। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, 3 माइनस एक्स समीकरण नंबर 3। अब क्या करने वाले? अब जोड़ दिया, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। सुन रहे कि नहीं? सेकेंड पॉइंट, समीकरण एक में से दो को घटाने पर जितनी सावधानी जोड़ते समय रखी उतनी ही सावधानी घटाते समय। पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक। देखो बेटा कोष्टक जब बहुत ज्यादा प्लस माइनस हो तो कोष्टक जरूर लगाना चाहिए, वरना सवाल क्या हो जाता है? गलत। पहला समीकरण पढ़ूंगी, 152 एक्स माइनस 378 वाई। दूसरा, माइनस 378 एक्स प्लस 152 वाई। इस तरफ माइनस 74 माइनस 604। ध्यान देंगे? देंगे नहीं देंगे? ये तो जो कहते हो 152 एक्स माइनस 378 वाई, माइनस माइनस प्लस 378 एक्स माइनस 152 वाई। सही है ना ये? माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का प्लस है माइनस, कोई दिक्कत? माइनस 74 प्लस 604। थक गए? प्लस के 604, माइनस के 74, जुड़ेंगे घटेंगे? 604 में से घटाना 74, 4 में से 4 गए 0, 10 में 7 गए 3, 5, 530। 152 एक्स प्लस के 378 एक्स प्लस के, जुड़ेंगे घटेंगे? निश्चित ही जुड़ेंगे, प्लस के हैं। 378 152, 8 और 2 हाथ में आई, 7 और 5 12 और 1 13 हाथ में आई, 1 3 और 1 4 और 1 5, 530 एक्स काय के बड़ी संख्या में प्लस, उसमें भी प्लस। 378 वाई माइनस के, 152 वाई माइनस के, जुड़ेंगे घटेंगे? जुड़ेंगे तो वही आएगा 530 वाई काय का बड़ी संख्या में माइनस। पूरे समीकरण में 530 का भाग देने पर x माइनस y बराबर 1। देखा? नहीं आया समझ में? इस कोष्टक में क्या रखने वाले हैं?
समीकरण तीन से y बराबर तीन माइनस x रख देंगे, तीन माइनस x, x माइनस तीन प्लस x बराबर एक, x प्लस x माइनस के तीन का आगे हुए प्लस के, 2x बराबर चार, x बराबर चार बटे दो, कितना आ गया x का मान, कितना आ गया कहाँ रख x का यह मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन बोलो y बराबर तीन माइनस x, y बराबर तीन माइनस y बराबर एक, समझ में आया।